नमस्कार दोस्तों, गर्दन से अतिरिक्त वसा यानी कि फैट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप बहुत ही कम समय में गर्दन पर जमे वसा से छुटकारा पा सकते हैं। गर्दन पर जमा फैट ओबेसिटी के कारण होता है। इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि एजिंग, पानी की कमी या अन्य सेहत संबंधी समस्या जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आदि। हालांकि इसका प्रमुख कारण मोटापा और शरीर का अधिक वजन होना है। गर्दन पर जमा फैट से हृदय रोग, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय करें। गर्दन पर जमा फैट से छुटकारा पाने के लिए आप इन डाइट टिप्स को ध्यान में रखें। ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैटचिन नामक पॉलीफिनॉल होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रचुरता में पाए जाते हैं। कैटचिन भी वजन कम करने के लिए जाना जाता है। वजन कम करने के लिए आपको ग्रीन टी के बहुत ज्यादा कप पीने की जरूरत नहीं है। दिन भर में 2 से 5 कप ग्रीन टी भी फायदेमंद रहती है। 1 कप पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी डालें। इसे 5 मिनट तक उबाल लें। पानी को छानकर ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसमें शहद डालकर पिएं। तरबूज। तरबूज में कैलोरी और फैट कम होता है और ये विटामिन और मिनरल्स जैसे कि विटामिन ए और पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ये पोषक तत्व गर्दन के फैट को कम करने में मददगार साबित होते हैं। 1 कटोरी ताजा खरबूज खाएं या फिर इसका जूस पिएं। रोज 2 से 3 गिलास तरबूज का रस पिएं। पानी। गर्दन पर जमा फैट से छुटकारा पाने में पानी भी असरकारी साबित होता है। पानी पीने से न केवल आपका वजन संतुलित रहता है बल्कि आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ भी निकल जाते हैं। ये भूख को भी नियंत्रित करता है और ओवर ईटिंग से बचाता है। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक्स जैसे कि कॉफी और सोडा ना पिएं। नारियल तेल। वर्जिन कोकोनट ऑयल से भी कम समय में गर्दन पर जमे फैट से छुटकारा पाया जा सकता है। नारियल तेल का सेवन करने पर मीडियम चेन फैटी एसिड सीधे तौर पर कोशिकाओं की झिल्लियों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और फैट के रूप में जमा होने के बजाय एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। खाना पकाने में आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या गर्दन पर 10 मिनट तक नारियल तेल से मालिश करें। नींबू का रस। गर्दन पर जमा फैट से छुटकारा पाने में नींबू का रस भी मदद करता है। नींबू का रस पीने से वजन भी घटता है। नींबू के रस में विटामिन सी होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर शरीर पर जमा अतिरिक्त वसा को घटाने में मदद करता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पिएं। इसमें शहद डालें और सुबह खाली पेट पिएं। अलसी के बीज। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का उत्तम स्रोत है। ये फैटी एसिड वजन कम करने में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं, इसलिए अपने स्मूदी या सलाद में इसे शामिल करना शुरू करें। अलसी के बीजों को पीसकर इसका 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। इसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं। शिमला मिर्च। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अभी से शिमला मिर्च को अपने आहार में शामिल करें। शिमला मिर्च में 37 कैलोरी होती है और ये शरीर को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करती है और ये कैलोरी भी नहीं बढ़ाती। सलाद में शिमला मिर्च डालें या इसे ग्रिल करके खाएं। रोज शिमला मिर्च का सेवन करें। गाजर। गाजर फाइबर और विटामिन ए का बेहतरीन स्रोत होता है। फाइबर की प्रचुरता के कारण ये पचने में ज्यादा समय लेता है जिससे अपने आप ही वजन कम होता है। रोज अपने आहार में गाजर लें। सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज विटामिन ए और विटामिन बी के बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं और ये न केवल गर्दन पर जमा फैट को कम करता है बल्कि शरीर को फ्री रेडिकल से भी बचाता है। इसलिए अभी अपने आहार में सूरजमुखी के बीजों को शामिल करें ताकि जल्द से जल्द आपको गर्दन के फैट से छुटकारा मिल सके। रोज 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज खाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब